कोरोना वायरस से दुनिया किस कदर बेहाल है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में हर रोज 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं और अब तक 37 लाख से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 2,60,000 के करीब पहुंच गई है और हर रोज ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस खतरनाक वायरस ने सबसे ज्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है और यहां मरने वालों का आंकड़ा 72,000 के पार पहुंच गया है, जबकि संक्रमितों की संख्या 12,37,000 के आंकड़ों को पार कर चुकी है और पिछले 24 घंटे में यहां 2,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी है। अमेरिका के बाद इस वायरस ने सबसे ज्यादा चोट यूरोपीय देशों को पहुंचाया है। स्पेन, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये वो 5 देश हैं जहां कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हैं। केवल इन 5 देशों में संक्रमितों की कुल संख्या जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 8 लाख के करीब पहुंच रही है, जबकि इटली और स्पेन को पीछे छोड़कर ब्रिटेन ऐसा देश बन गया है जहां अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। तो वहीं रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हर रोज जबरदस्त इजाफा हो रहा है। रूस 7वां ऐसा देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा संक्रमित हैं, जबकि तुर्की, ब्राजील के बाद ईरान भी लिस्ट में शामिल हो गया है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। तो वहीं चीन भले ही इस बात का दावा कर रहा है कि उसने कोरोना वायरस पर पूरी तरह काबू पा लिया है, लेकिन वहां मंगलवार को 16 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि चीन, कनाडा, पेरू और बेल्जियम के बाद भारत भी जल्द ही उस फहरिस्त में शामिल होगा जहां संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार है। पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कई देशों की सरकारों ने लॉकडाउन में छूट दे दी है या तो छूट देने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि WHO ने साफ कर दिया है कि जब तक कोरोना वायरस पर पूरी तरह काबू ना पा लिया जाए, लॉकडाउन में छूट खतरनाक साबित हो सकता है।